आपको प्रवेश लेकर आ रहा है क्या है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। Good.
की जय हो। आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। आप सभी से विनम्र आग्रह है, भोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की, गौ माता की, अन्नपूर्णा माई की, भारत हिंदू राष्ट्र की, बैद्यनाथ धाम की। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पहले हम आप सभी व्यवस्था बना लें, इसके बाद फिर हम आप सभी गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन और श्रवण करेंगे। तो विनम्र आग्रह है, सर्वप्रथम पहले आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। झारखंड की पावन धरा में प्रथम बार पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग में से बैद्यनाथ धाम की पवित्र पावन धरा में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार का आगमन हुआ। बैद्यनाथ धाम भोलेनाथ के गुरुदेव भगवान ने दर्शन किए और उसके बाद तुरंत ही आप सभी के दर्शन करने के लिए पावन मंच पर गुरुदेव भगवान का आगमन हो गया। हमारे बीच में आपके ही अति प्रिय सांसद जी डॉक्टर निशिकांत द्विवेदी जी, जिनके संकल्प से, जिनके आग्रह से उच्च श्री बागेश्वर धाम सरकार का प्रथम बार झारखंड की पावन धरा देवघर में आगमन हुआ है। एक बार माननीय सांसद जी डॉक्टर साहब का हम तालियों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और हम आग्रह करेंगे माननीय सांसद जी से कि आप आइए और गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद आप प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम आप सभी आशीर्वाद वचन की ओर, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे। झारखंड की पावन धरा में गुरुदेव भगवान को पहले ही आना था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बालाजी की कृपा वैसे सभी पर है, लेकिन जिनसे उनको अपना कार्य करवाना है उन्हीं को ही चुनते हैं और माननीय सांसद जी पर कृपा हुई और आज हम आप सभी पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कर रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है। हम पुनः आग्रह करेंगे आप सभी से कि प्लीज आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। बिना आग्रह प्लीज पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और मंच पे जो इतने सभी लोग हैं उनसे भी आग्रह है कि आप प्लीज मंच से प्रस्थान करेंगे। पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी स्मरण करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीच आपके देवघर के ही सांसद डॉक्टर निशिकांत द्विवेदी जी से आग्रह है कि हम आप सभी आए, गुरुदेव भगवान से आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इसके बाद माननीय सांसद जी के उद्बोधन की ओर चलेंगे और इसके बाद फिर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन हम आप सभी श्रवण करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम क्रमशः आगे की ओर जाते हुए सामूहिक अर्जी आज गुरुदेव भगवान आप सभी की ही लगाएंगे। माननीय सांसद जी से हम आग्रह करेंगे कि आप आए और उद्बोधन के बाद हम गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन श्रवण करेंगे। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की, बागेश्वर सरकार की, बागेश्वर सरकार की। परम पूज्य बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी, जिन्होंने कि मेरे आग्रह को मानकर देवघर आने का फैसला किया, झारखंड में ये पहला उनका कार्यक्रम है कि जिस तरह बाबा बैद्यनाथ की पूजा जो है बाबा बैद्यनाथ ही कराते हैं, बाबा बागेश्वर सरकार जी का भी कार्यक्रम जो है वो उन्हीं की महिमा से चलता है, हनुमान जी की महिमा से चलता है। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हम सभी उनके
आशीर्वचन के लिए लालायित हैं और पिछले 48-72 घंटे से लोग यहां मौजूद हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि आपके ऊपर हनुमान की अद्भुत कृपा है, आप हनुमान जी के अनन्य भक्त हैं और हनुमान जी शंकर जी के पुत्र हैं। तो एक पुत्र का जो है अपने पिता से ये मिलन स्थल है। हनुमान जी अपने पिता शंकर भगवान से मिलने यहां बाबा बैद्यनाथ आए हैं। आपकी कृपा सबों पर बनी रहे, आपका आशीर्वाद सबों पर बना रहे। आपके आशीर्वाद से संथाल परगना दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़े और मोदी जी जो गांव गरीब पिछड़ों के सम्मान और विश्वास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आपकी कृपा अनवरत बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। ये जो लोग ऊपर चढ़े हुए हैं वो सब नीचे उतर जाइए, तार ऊपर है, सभी से आग्रह है नीचे उतर जाइए। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। एक विनम्र आग्रह और आप सभी से, पुनः विनम्र आग्रह है, प्लीज जहां आप खड़े हैं वहां पे वायर है देख रहे हैं आप, वहां से नीचे हो जाएं, प्लीज वहां से नीचे हो जाएं। और जो आगे भाई बहने माताएं खड़ी हैं आपसे भी विनम्र आग्रह है कि देखिए आप जितना ज्यादा व्यवस्था जितनी जल्दी कर लेंगे उतनी जल्दी हमें गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन स्मरण कर पाएंगे। तो प्लीज आगे जो लोग खड़े हैं जो मीडिया प्रभारी भी हैं उनसे भी आग्रह है कि प्लीज जो वॉलंटियर हैं आप बैठ जाएं, व्यवस्था बना दें। जो पीछे भी हैं जो साइड में खड़े हुए हैं आपसे भी विनम्र आग्रह है आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। विनम्र आग्रह है आप सभी से कि जल्दी ही आप व्यवस्था बना लें और कुछ ही समय में पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के हम आप सभी आशीर्वाद वचन स्मरण करेंगे। और विनम्र आग्रह है कि आइए चलते हैं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद वचन की ओर, हम आप सभी स्मरण करेंगे। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय जय श्री राम। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तुसि।
पति पादुका भ्यार लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरंतं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुति तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि परनहु रघुवर बिमल यसु जो दायक हर गाइए सब गाइए।
कौन बजाएंगे वेस्ट इंडीज वाले हाँ तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जय हो बालाजी सीताराम हनुमान दोनों हाथ उठा करके कृपा को कौन कौन पाना चाहता है कच्चा की पक्का अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाना चाहता है धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारना चाहता है पक्का की कच्चा जोर से बोलो क्या झारखंड वाले डरते हैं सना नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं इसलिए दोनों हाथ उठा करके ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम वीआईपी वाले बड़े कंजूस हैं जो कीर्तन नहीं करेगा ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी बड़ी देर से होगी पर बाद में मत कहना इसलिए दोनों हाथ उठा करके गाओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले Oh, no.
बैजनाथ धाम की, श्री सीताराम नाम भगवान की, तारापीठ की, वासुकी नाथ पावन पीठ की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की, आज का एक दिन का प्रवचन करवाने वाले यजमान जी की, उनके पूरे परिवार जनों की, आयोजन में आने वाले झारखंड के पागलों की, विरोध करवे बालन की भी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 हर, बाबा बैद्यनाथ धाम की, देव भर के पागलों की, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सभी बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री सीताराम भगवान की मंगलमयी कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी की दया, सन्यासी बाबा के चरणों का प्रताप, सब संतों का आशीर्वाद और बाबा बैद्यनाथ धाम के द्वादश ज्योतिर्लिंग में महादेव का बुलावा, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए यह शरीर झारखंड की पावन धरती पर आया है। जितने भी प्रियजन हमको पता लगा, हमारे बड़े ही प्रिय और आत्मीय बागेश्वर बालाजी के और बाबा बैद्यनाथ धाम के बड़े कृपा पात्र श्री निशिकांत दुबे जी बता रहे थे, बोले गुरुजी यहां 3 दिन से बागेश्वर धाम के पागल डेरा डारे हुए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जितने भी प्रियजन 2-3 दिन पहले आ गए थे, आज सुबह से बैठे हैं, जितने लोग दरबार में आए कथा सुनने आए, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग दोनों तीनों पंडालों में, ग्राउंड में जगह नहीं है सो खड़े हैं, कुछ लोग आगल पागल टेंट पे चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी और बैद्यनाथ बाबा के दरबार में पड़े हैं। जो जहां खड़े हुए विराजमान बैठे हैं, कुछ कुर्सियों पे VVIP दिखाई पड़ रहे, जो जो विराजमान हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सियाराम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 सीताराम। साधु जी सीता, जरा जोर से बोलो सीताराम। अरे पागलो सीताराम, देवघर के पागलो सीताराम, कैसे हो, आनंद में हो? हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम जब मंदिर दर्शन करने गए, किसी ने हमारा चूड़ा तान लिया,
किसी ने कपड़ा तान लिया, ये है कि हम भर जिंदा बच के आ गए। हमें पता नहीं था कि झारखंड में हमारे इतने बालाजी के पागल हैं। ऐसा पता होता तो यहाँ की सरकार तो हमें रोकती रही, हम ठठरी बारते हुए पहले आ जाते। हाँ, लोग हमसे कह रहे थे वहां मत जाओ, वहां सरकार आपको अनुमति नहीं देती है। हमने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कोई बागेश्वर धाम का पागल हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। और जो हमें रोकते थे, सुन लो कान खोलकर, ठटरी भरेगी। हाँ, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखो, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम हलीउल्लाह वालों के खिलाफ हैं। हाँ, अब भारत में मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए धर्म विरोधियों को हमसे डर लगता है कि बाबा आएगा, आएगा बाबा तो क्या होगा, फादर भाग जाएगा, क्योंकि फादर का फादर है बालाजी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे हनुमान जी को कोई रोके, सनातन की कथाओं को कोई रोके, राम चर्चा को रोके, हमें अच्छा नहीं लगता। हम झारखंड पहले ही आना चाहते थे, लेकिन हम देर से आए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। हमको वहां आना था, पलामू आना था, वहां अनुमति नहीं मिली, लेकिन अब बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया है, बागेश्वर धाम से यह दास दौड़ा चला आया है। बोलो हर हर। अभी तो एक ही दिन का समय है, कालांतर में जब हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके हृदय का सनातन कट्टर हिंदुत्व, राम जी के प्रति निष्ठा, हनुमान जी और बाबा बैद्यनाथ के प्रति निष्ठा अगर प्रगाढ़ रहेगी और आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की अगर कृपा बरसेगी, तो हम बहुत जल्दी अपने प्रिय निशिकांत जी को आज्ञा देकर 7 दिन की कथा इसी प्रांगण में सुनाएंगे और लगभग 20 लाख लोगों को कथा सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। लेकिन आज तो भगवत चर्चा सुनने बैठे हैं, सब लोग हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, बाबा बैद्यनाथ भगवान को प्रणाम करो। कथा के बाद में हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, चिंता ना करो। लेकिन आज की कथा को हम सोच रहे थे किस पे सुनाएं, चीलगाड़ी में चले आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या गाएंगे, लेकिन तब तक हमारे मन में हनुमान जी हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आ गई, क्योंकि यहाँ भोले बाबा विराजमान है और हमारे हनुमान जी भी। शंकर सुवन के सेरी शंकर सुवन हाथ उठाकर गाओ। जहां भी उनके कथाएं कार्यक्रम होते हैं और धाम पर जब भी रहते हैं, बिना टोकन नंबर का निशुल्क दरबार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ, गुरुदेव के आशीर्वाद भजन होंगे। और आपने देखा होगा मंच पे लिखा है संत सम्मेलन, तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद हम आप सभी स्मरण करेंगे। सामूहिक अर्जी लग जाने का मतलब है कि आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी अर्जी है, बागेश्वर बालाजी के चरणों में आपकी अर्जी स्वीकार हो गई।
अब आपको बागेश्वर धाम आना है, आप दूर से हैं तो महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, तीन महीने में एक बार, पांच महीने में एक बार, लेकिन 21 बार बागेश्वर धाम पावन तीर्थ पहुंचना अनिवार्य है। प्याज लहसुन मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है जब तक कि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती। और बहुत से ऐसे भक्त हैं जो गुरुदेव भगवान से नहीं मिल पाते हैं, उनके दर्शन मात्र से, सन्यासी बाबा गुरुदेव भगवान की भभूति से और बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन मात्र से। सब लोग गाइए सब गाइए सीता हनुमान सब बड़े भाव के साथ सीता हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
सीताराम हनुमान गाइए कौन बजाएंगे वेस्टइंडीज वाले हाँ तो सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान जय हो बालाजी सीताराम हनुमान दोनों हाथ उठा करके कृपा को कौन कौन पाना चाहता है कच्चा की पक्का अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाना चाहता है धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारना चाहता है पक्का की कच्चा जोर से बोलो क्या झारखंड वाले डरते हैं सना नफरत नहीं हम प्रेम के आदि हैं पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं उसने दोनों हाथ उठा करके ओ सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम बड़े कंजूस हैं जो कीर्तन नहीं करेगा ताली नहीं बजाएगा अगले जन्म में उसकी शादी बड़ी देर से होगी पर बाद में मत कहना इसलिए दोनों हाथ उठा करके गाओ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर भोले
की, बाबा बैद्यनाथ धाम की, श्री सीताराम नाम भगवान की, तारा पीठ की, वासुकी नाथ पावन पीठ की, गौ माता की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, अपने अपने मताई बाप की, भारत हिंदू राष्ट्र की। आज का एक दिन का प्रवचन करवाने वाले जजमान जी की, उनके पूरे परिवार जनों की, आयोजन में आने वाले झारखंड के पागलों की, विरोध करवे बालन की भी। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे 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 हरे। बाबा बैद्यनाथ धाम की, देव भर के पागलों की। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ सभी बैठ जाओ बैठ जाओ। श्री सीताराम भगवान की मंगलमयी कृपा, भगवान बागेश्वर बालाजी की दया, सन्यासी बाबा के चरणों का प्रताप, सब संतों का आशीर्वाद और बाबा बैद्यनाथ धाम के द्वादश ज्योतिर्लिंग में महादेव का बुलावा, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिवसीय भगवत चर्चा करने के लिए यह शरीर झारखंड की पावन धरती पर आया है। जितने भी प्रियजन हमको पता लगा, हमारे बड़े ही प्रिय और आत्मीय बागेश्वर बालाजी के और बाबा बैद्यनाथ धाम के बड़े कृपा पात्र श्री निशिकांत दुबे जी बता रहे थे, बोले गुरुजी यहां 3 दिन से बागेश्वर धाम के पागल डेरा डारे हुए हैं। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन जितने भी प्रियजन 2-3 दिन पहले आ गए थे, आज सुबह से बैठे हैं, जितने लोग दरबार में आए कथा सुनने आए, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग दोनों तीनों पंडालों में ग्राउंड में जगह नहीं है सो खड़े हैं, कुछ लोग आगल पागल टेंट पे चढ़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी और बैद्यनाथ बाबा के दरबार में पड़े हैं। जो जहां खड़े हुए विराजमान बैठे हैं, कुछ कुर्सियों पे VVIP दिखाई पड़ रहे, जो जो विराजमान हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की एक चौपाई के साथ हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। साधु जी सीता, जरा जोर से बोलो सीताराम। अरे पागलो सीताराम, देवघर के पागलो सीताराम, कैसे हो, आनंद में हो? हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि हम जब मंदिर दर्शन करने गए
किसी ने हमारा चूड़ा तान लिया, किसी ने कपड़ा तान लिया, ये है कि हम भर जिंदा बच के आ गए। हमें पता नहीं था कि झारखंड में हमारे इतने बालाजी के पागल हैं। ऐसा पता होता तो यहां की सरकार तो हमें रोकती रही, हम फटरी बारते हुए पहले आ जाते। हाँ, लोग हमसे कह रहे थे वहां मत जाओ, वहां सरकार आपको अनुमति नहीं देती है। हमने उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कोई बागेश्वर धाम का पागल हमें बुलाएगा और झारखंड में भी सनातन का झंडा लहराएगा। और जो हमें रोकते थे, सुन लो कान खोलकर, ठटरी भरेगी। हाँ, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। देखो, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, हम हलीउल्लाह वालों के खिलाफ हैं। हाँ, अब भारत में मेरे भारत का बच्चा बच्चा क्या बोलेगा, ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की चली नहीं। इसलिए धर्म विरोधियों को हमसे डर लगता है कि बाबा आएगा, आएगा बाबा तो क्या होगा, फादर भाग जाएगा, क्योंकि फादर का फादर है बालाजी। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे, लेकिन हमारे हनुमान जी को कोई रोके, सनातन की कथाओं को कोई रोके, राम चर्चा को रोके, हमें अच्छा नहीं लगता। हम झारखंड पहले ही आना चाहते थे, लेकिन हम देर से आए तो आई एम वेरी वेरी नॉट सॉरी, क्योंकि इसमें हमारी गलती नहीं है। हमको वहां आना था, पलामू आना था, वहां अनुमति नहीं मिली, लेकिन अब बाबा बैद्यनाथ ने बुलाया है, बागेश्वर धाम से यह दास दौड़ा चला आया है। बोलो हर हर। अभी तो एक ही दिन का समय है, कालांतर में जब हनुमान जी कृपा करेंगे, आपके हृदय का सनातन कट्टर हिंदुत्व, राम जी के प्रति निष्ठा, हनुमान जी और बाबा बैद्यनाथ के प्रति निष्ठा अगर प्रगाढ़ रहेगी और आप सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की अगर कृपा बरसेगी, तो हम बहुत जल्दी अपने प्रिय निशिकांत जी को आज्ञा देकर 7 दिन की कथा इसी प्रांगण में सुनाएंगे। और लगभग 20 लाख लोगों को कथा सुनाएंगे और दिव्य दरबार भी लगाएंगे। लेकिन आज तो भगवत चर्चा सुनने बैठे हैं, सब लोग हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, बागेश्वर बालाजी को प्रणाम करो, बाबा बैद्यनाथ भगवान को प्रणाम करो। कथा के बाद में हम सबकी सामूहिक अर्जी लगा देंगे, चिंता ना करो। लेकिन आज की कथा को हम सोच रहे थे किस पे सुनाएं, चीलगाड़ी में चले आ रहे थे तो सोच रहे थे क्या गाएंगे, लेकिन तब तक हमारे मन में हनुमान जी हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आ गई, क्योंकि यहां भोले बाबा विराजमान है, हमारे हनुमान जी भी। शंकर सुवन के से हनुमान सीतारा तो
बालाजी का पागल कौन कौन है झारखंड में, तो ताली कौन बजाएंगे वेस्ट इंडीज वाले। हाँ तो सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान, सीताराम है हनुमान। जय हो बालाजी। सीताराम हनुमान, दोनों हाथ उठा करके चाहता है, कच्चा की पक्का। अच्छा भारत हिंदू राष्ट्र कौन कौन बनवाना चाहता है, धर्म विरोधियों की ठटरी कौन कौन बारना चाहता है, पक्का की कच्चा। जोर से बोलो, क्या झारखंड वाले डरते हैं? सना नफरत नहीं, हम प्रेम के आदि हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। इसलिए दोनों हाथ उठा करके, ओ सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम भूत भविष्य और वर्तमान का प्रति, तीनों कालों को बताने की क्षमता जिसमें है वो त्रिपुंडधारी केवल और केवल एक ही है, वो भूत भावन महादेव है। लोग हमारे पास आते हैं, महाराज जी हमारा भविष्य बताओ, बढ़िया सा भविष्य बताओ। भैया भविष्य हम जो भी बता दें वो बात तो ठीक है, हनुमान जी की बागेश्वर बालाजी की कृपा है, पर देवघर वालों को भविष्य पूछने की आवश्यकता नहीं है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को राइट फाइट करने वाले देवता वैद्यनाथ भगवान यहां पर विराजमान हैं। जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों राइट फाइट कर सकते हैं, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह भोले बाबा का चौथा श्रृंगार हुआ, अब पांचवा श्रृंगार सुनो। महादेव का पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं, सबके दो होते हैं, शंकर जी के तीन, एक एक्स्ट्रा। भोले बाबा का हर काम अतिरिक्त ही है, एक एक्स्ट्रा है। तो किसी ने पूछा, बाबा हमारे तो दो ही नेत्र हैं, तुम्हारे तीन? शंकर जी बोले, नहीं तीन सबके हैं, पर किसी का बंद पड़ा, हमारा खुल गया है। ये यहां पर हम लोग ध्यान लगाने को कहते ना, इसे आज्ञा चक्र कहते, आज्ञा चक्र। ये भी नेत्र है, और जिसका ये खुल जाता है वो भी लय और प्रलय करने की सामर्थ्यता पा जाता है। तो भगवान का यह अद्भुत पांचवा श्रृंगार है त्रिनेत्र का। भगवान भगवान शंकर के तीन नेत्र हैं, और तीन नेत्र का मतलब है सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को ठीक करने की सामर्थ्यता केवल भूत भावन महादेव में है। यह बाबा का पांचवा श्रृंगार। अब भोले बाबा का छठवा श्रृंगार सुनो। बाबा का छठवा श्रृंगार है त्रिशूल। अच्छा ये त्रिशूल क्यों लिए रहते शंकर जी, क्या आवश्यकता है? आहा हा,
त्रिशूल है संहारक का प्रतीक, संहार करने का। लेकिन त्रिशूल में भी तीन नौख रहती हैं, तीन नौख निकली रहती हैं। ये किसका प्रतीक है? ये जो त्रिशूल में तीन नौख निकली रहती, ये त्रियताप निवारक हैं, दैहिक दैविक भौतिक। ये जो तीन प्रकार के ताप होते हैं, जो शंकर देव महादेव की पूजा करता है, त्रिशूल के बल पर महादेव तीनों तापों का विनाश कर देते हैं। और इसका वर्णन रामायण में भी आया है, हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में गोस्वामी कलिकुल शेखर पावन अवतार श्री तुलसीदास जी ने लिखा, एहा दैहिक दैविक भौतिक ताप काम राज काम हुए नहीं जा, एहा दैहिक दैविक भौतिक ताप काम राज काम हुए नहीं जा। श्री राम जय राम जय सिंगार है वो बड़ा प्यारा है। अब भोले बाबा का सातवां सिंगार सुनो। बाबा का सातवां सिंगार है भस्म। क्या है? यूं मान के चलो कैलाश पर्वत का पाउडर। हम लोग यहां पाउडर लगाते, भोले बाबा भस्म के रूप में पाउडर लगाते हैं, भस्म को धारण करते हैं। अभी हम जब गए, हमारे यहां के लाडले सांसद जी हमारे बड़े ही प्रिय श्री निशिकांत दवे जी भी साथ में थे, बहना भी साथ में थी। खूब धक्का मुक्की हुई, बहुत भीड़ थी, जगह जगह पागल ही पागल थे। लेकिन जैसे ही वहां गए, वहां के पंडे आचार्यों ने, वहां के पुरोहितों ने, भगवान शंकर के पुजारियों ने वेद मंत्रोच्चारण करके जब भस्म चढ़वाया, ऐसा लगा हम भी देवघर वासी हो गए हों। आहा, क्या बोले मंत्र, अद्भुत। और धन्य है यहाँ के पुजारी, इतने उदार पुजारी हैं, इतने करुणावान यहाँ के पुजारी हैं। पूरी भस्म भगवान शंकर पर डलवा दी, महाराज पूरी डालो। हम तो कम डाल रहे थे क्योंकि हम कंजूस हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं पूरी डालो। हमने भी पूरी लई, हार हार महारे। जो बची कुछ हमारे लगा दी, कुछ हमारे दुबे जी को लगा दी, बची खुची ब्राह्मणों ने खुद लगा ली। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर मानो सब राम जी के बंदर। ऐसा नजारा था मंदिर के अंदर, लग रहा था सब राम जी के बंदर हैं। भैया हम तो देव घर आकर के धन्य हो गए, यहाँ की भक्ति देख करके धन्य हो गए। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है यहाँ की भक्ति, धन्य है बासी और भारत के लोगों। हम तुम्हें प्रार्थना करेंगे आज बागेश्वर धाम के मंच से एक बार जरूर आना चाहिए द्वादश ज्योतिर्लिंग में भगवान वैद्यनाथ के दर्शन करने को। जो झारखंड के देवघर महादेव के दर्शन करने आएगा वो सौ भी शिव बन जाएगा, वो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। और सौ और शिव का मतलब, सब का मतलब मरा हुआ। मरा कौन? जिसके हृदय में राम नहीं, जिसके हृदय में संतों के प्रति प्रेम नहीं, जिसे हिंदुत्व से प्यार नहीं, वो मरा हुआ मुर्दे के समान है। इसीलिए देवघर में जो आकर के महादेव की भक्ति करता है, आहाहा, धन्य है भोले बाबा। तो भोले बाबा का सातवां सिंगार है भस्म। क्या है? बोलो बोलो बोलो। आदमी कहते ना हम भस्म कर देंगे, ये वही भोले बाबा को भस्म प्रिय है। अच्छा, भोले बाबा को भस्म क्यों प्रिय है? क्या बात है? भस्म क्यों लगाते हैं और कब से लगाई? आहा हा, एक बार भोले बाबा एक जगह चले जा रहे थे, रास्ते में एक मुर्दा सौ
लेटा हुआ चला जा रहा था, पीछे पीछे लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। भोले बाबा को लगा ये तो हमारी पार्टी के आदमी हैं, सो भोले बाबा पीछे हो गए। अब भोले बाबा भी कहने लगे राम नाम सत्य बोलो, राम नाम। भोले बाबा सत्य सत्य कहते हुए जाने लगे, लेकिन जैसे ही शमशान घाट पर मुर्दा पहुंचा, मुर्दे में आग लगाई, सत्य बोलने वाले अपनी अपनी बातें करने लगे। एक बोला एक बात बताओ ये कब मर गए थे, दूसरा बोला भैया हमें तो लगता है सुबह ही चले गए, तीसरा बोला क्या बताएं इनको आज ही मरना था, रविवार को मर जाते कम से कम हमारे काम तो नहीं बिगड़ते, चौथा बोला हम भी क्या बताएं हम तो अपनी बिजली का बिल जमा करने जा रहे थे लेकिन ये मर गए। शंकर जी ने सोचा अभी कुछ देर पहले राम नाम सत्य कह रहे थे, अब तो ये संसार की बातें करने लगे, अरे ये तो झूठे प्रपंची हैं, ये हमारी पार्टी के आदमी नहीं है। लेकिन तब तक मुर्दा जल चुका था, पर भोले बाबा ने विचार किया भैया मुर्दा भले ही जल गया लेकिन इसके कारण कुछ लोगों ने राम नाम सत्य कहा, हमारा सच्चा साथी तो यही है, मुर्दा जल गया पर उसकी भस्म बच गई, उसी भस्म को सीताराम कहते हुए अपने शरीर में लगा लिया, उसी दिन से भोले बाबा को भस्म चढ़ने लगी। हारे हारे महादेव, इसीलिए बाबा का सातवां श्रृंगार है भस्म। क्या है बोलो बोलो बोलो। एक बार एक अंग्रेज आया देवघर भस्म खरीदने, बोला हमको भोले बाबा की भस्म की पुड़िया दो। तो यहां का एक हमारा चेला था पुराना चंगीलाल, तो वो दुकान पर बैठा था, उसने पुड़िया दी, अंग्रेज ने पूछा कितने रुपए की, उसने कहा ओनली 20 रुपीज, 20 रुपया। अब अंग्रेज ने वो पुड़िया ली, यहां से देखे वहां से देखे, दुकानदार चंगीलाल ने पूछा क्या बात है सर क्या देख रहे हो, अंग्रेज बोला हम देख रहे हैं एक्सपायरी डेट नहीं लिखी इसमें। तो दुकानदार मुस्कुराता हुआ बोला बोला अंग्रेज साहब इसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं है क्योंकि ये मिली बनी ही एक्सपायर लोगों से है, ये बनी एक्सपायर लोगों से है। तब तक मुस्कुराता हुआ अंग्रेज बोला अच्छा हू, बोले यस। अंग्रेज बोला फिर तो ये खराब नहीं हो जाएगी, अरे देवघर का झारखंड का आदमी कच्चा थोड़ी होता है, झारखंड का आदमी तो ऊंचा होता देवघर का, झारखंड का देवघर का आदमी मुस्कुराता बोला ए अंग्रेज बाबू ये बनी एक्सपायर लोगों से है लेकिन जो भी अपने माथे पर लगाता है उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ जाती है, ये भस्म का सिद्धांत है। इसलिए भोले बाबा का सातवां श्रृंगार भस्म है। आठवां श्रृंगार क्या है, रुद्राक्ष की माला। क्या है बोलो बोलो बोलो, माला क्यों, भगवान शंकर के आंखों से जो अश्रु निकले, राम नाम कहते हुए राम की याद में जो आंसू निकले उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, और राम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, अश्रु से भगवान शंकर के अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, इसलिए भगवान शंकर को रुद्राक्ष बड़ा प्रिय है। क्यों, क्योंकि राम प्रभु श्री राम की याद में आंसू निकले, काम की याद में नहीं। बहुत से लोग रोते हैं पर कुछ लोग अपनी लुगाई के लिए रोते, कुछ लोग पड़ोसी के लिए रोते, कुछ लोग काम के लिए रोते, लेकिन भगवान शंकर प्रभु श्री राम के लिए रोते हैं। तो आठवां श्रृंगार भी बड़ा अद्भुत है रुद्राक्ष। नौवां श्रृंगार भगवान का है सांप। क्या है, नाग, भगवान के गले में भी नाग, जनेऊ भी नाग। आपने नाग क्यों गले में पहना, मानो शंकर जी कहना चाहते हो जो काल को अपना आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। सांप है काल, और जो काल को आभूषण बनाएगा वही महाकाल कहलाएगा। और हमारे कवि हमें कहते थे
अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का और काल उसका क्या करे, जो भक्त हो महाकाल। तो भगवान शंकर का यह नौवां श्रृंगार है सांप। दसवां श्रृंगार दसवां आभूषण के रूप में भगवान जो वाहन धारण करते हैं, जिस वाहन पर विराजते हैं, वो है नंदी। कौन है? नंदी बैल। अच्छा, नंदी बैल पर क्यों बैठते? बैल है धर्म, भगवान शंकर धर्म पर विराजमान होते हैं। मेरे पागलो, जो धर्म के साथ चलेगा वही भगवान शंकर का सच्चा भक्त कहलाएगा। बोलो हर हर। भगवान शंकर का ग्यारहवां श्रृंगार है डमरू। क्या है? डमरू। भगवान डमरू को हाथ में लेकर के अनाहत नाद को छेड़ते हैं। डमरू का अनाहत नाद से 14 सूत्र प्रकट भए, आई वर्ण ऋण लित। ये भगवान शंकर की डमरू से सूत्र प्रकट भए। तंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भया, मंत्र भी भगवान शंकर की डमरू से प्रकट भए। और मेरे पागलो, कोई तंत्र से परेशान हो, सवा वर्ष तक जिस प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के पास में डमरू रखी रही हो, उस डमरू को घर में लाकर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अगर अनाहत नाद कर दिया जाए, कैसा भी तंत्र मंत्र हो, तुम्हारे घर पर नहीं रह पाएगा। बोलो हर हर। यह भगवान का ग्यारहवां श्रृंगार। अब भोले बाबा का बारहवां श्रृंगार क्या है? भोले बाबा का बारहवां श्रृंगार है व्याघ्र चर्म। व्याघ्र चर्म का मतलब बोलो, बाघ का चर्म, उस पर भगवान विराजते हैं। बाघ के चर्म पर भगवान भोले बाबा क्यों बैठते हैं? क्योंकि वह दुनिया को संकेत देना चाहते, अहिंसा परमो धर्मः। हिंसा करना पाप है, अहिंसा में जीना ही धर्म है। इसलिए भूत भावन महादेव व्याघ्र चर्म पर बैठ करके सुशोभित होते हैं। जो इन 12 श्रृंगारों को भगवान भोले बाबा के करता है, 12 श्रृंगारों की पूजा करता, 12 श्रृंगारों से भगवान की उपासना करता, 12 श्रृंगारों से महादेव को भजता है, और जो 12 श्रृंगारों का चिंतन करता है, वह व्यक्ति भगवान शिव का विशेष भक्त बन जाता है। बोलो हारा 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 हारा। इस प्रकार भोले बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजमान है। हमारे प्रियजन जितने भी बैठे हैं, हम उनको प्रार्थना करेंगे। आप लोग यहीं के हो, भाग्यशाली हो जो भोले बाबा की नगरी आपको प्राप्त हुई है। महीने में एक बार ही सही आप बैद्यनाथ भगवान के दर्शन किया करो। यहां वाले तो प्रतिदिन किया करो, मंदिरों में जाया करो। वो लोग शुक्रवार को जाना नहीं छोड़ते हैं, खूब भीड़ जुटाते हैं। हमें उनसे बुराई नहीं है, पर अपने बालों को भी मंगल और शनिवार मंदिरों में जाना चाहिए। किसी से लड़ने के लिए नहीं, दुनिया को ये पता लग जाए कि सनातनी भी किसी से कम नहीं है। आज के बाद कौन कौन प्रति मंगलवार को बालाजी के या बैद्यनाथ भगवान के दर्शन करने जाएगा? हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो, पक्का पक्का। कौन कौन भारत में हिंदू एकता चाहता है? आप चाहते हो हिंदुओं में एकता? देखो, हम तो इसीलिए आए हैं, कथा तो बहाना है, असलियत में हमें पूरे भारत के हिंदुओं को जगाना है। जब तक भारत के हिंदू जाग नहीं जाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और मेरे पागलो, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें मिलकर हिंदू राष्ट्र देंगे। और एक बात देखो, मुंह देखी बात नहीं है, पर हम धन्यवाद दे रहे हैं इस आयोजन की दम लगाने वाले हमारे बड़े ही लाडले दबंग निशिकांत दुबे जी को। आपको ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने बड़ी मशक्कत की,
परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली, लेकिन मेरे पागलो तुम्हारी श्रद्धा ने हमको देव घर में आखिर बुला ही लिया है। अब हम आ गए तो जाने वाले नहीं है, तुम्हारे हृदय में ही है बालाजी, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें घबराना नहीं है। झारखंड में भी भारत हिंदुत्व का, सनातन हिंदुत्व का परचम लहराना है। कौन कौन चाहता है भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो हनुमान जी की भक्ति कौन कौन करेगा? अगर धर्म का विरोध करेगा तो ठठरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो ठठरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई हमारे भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण करवाएगा तो ठठरी कौन कौन मारेगा? पक्का की कच्चा, जोश में कि होश में, किसी के बहकावे में तो नहीं आओगे, चमत्कारों के चक्कर में तो नहीं पड़ोगे, हली उल्लाह वालों के पास तो नहीं जाओगे? पक्का 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 तो जाओ। हम भी वचन दे रहे, जो हनुमान जी ने हमें सिद्धि या चूरन चटनी दी है, आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जावे। जाओ, तुम सबकी अर्जी लग जावे। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। जितने भी लोग आज कथा में दोनों तीनों पंडालों में आए हैं, प्रांगण में खड़े हैं, इस तरफ धूप में खड़े हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हैं, जाओ हम अपने बालाजी के चरणों में जो सन्यासी बाबा की सिद्धियां हैं, जो दादा गुरुजी का प्रताप है और जिसके बल पर हमने धर्म विरोधियों की ठटरी बारी है, जाओ आज से तुम्हारे घर में जय जयकार होने लगेगी। बोलो हारा हारा। अब हम सामूहिक अर्जी लगा दे रहे हैं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी लोग। तुम लोग आए तो थे पर्चा के चक्कर में, लेकिन हम बदमाश निकले, हमने हनुमान जी की चर्चा पकड़ा दी। पूछो क्यों? पर्चा से तो कुछ लोगों का भला होना था, हनुमान जी की चर्चा से सबका भला होगा। अच्छा, जीवन भर के लिए बागेश्वर बालाजी से कौन कौन जुड़ना चाहता? सही में? अच्छा, तुम गए हो? नहीं गए तो जाना है। कब जाओगे? जल्दी आना, हमारी महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की। तीन पीढ़ियों से दरबार चल रहा, सन्यासी बाबा वहां साक्षात हैं, बागेश्वर बालाजी, कहीं मेहंदीपुर बालाजी हैं, कहीं सालासर बालाजी हैं, लेकिन अपने मध्य प्रदेश में बागेश्वर बालाजी हैं। उनने सबकी झोली भरी, सबकी खाली झोली भरी। जाओ, तुम लोगों की भी खाली झोली बालाजी भरेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर बढ़िया एक प्यारा गीत सुनाएंगे, ठीक है? पर हमें जाना भी है, कम समय के लिए आए थे लेकिन हम आएंगे दोबारा, चिंता ना करो। दुबे जी, आप 7 दिन की तैयारी करो, जरा खड़े हो जाओ। चाहते हो 7 दिन की तो बताओ, तो रुक जाओ। इसी मैदान में होवे कि तुम्हारे घर पे? इसी मैदान में, ठीक है? यही हम 7 दिन रुकेंगे, यही कथा करेंगे, यही दिव्य दरबार लगाएंगे, यही भूत भगाएंगे। अब विरोधियों की ठटरी भी मारेंगे। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, 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 आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत,
आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे कलयुग के राजा, हमारी हंसी मत करवाना, तुम्हारे बिना कोई नहीं है, आपकी जय हो। मन ही मन सब लोग बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को भी प्रणाम कर लो। यह बागेश्वर बालाजी ऐसे हनुमान जी है, सवा करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ सन्यासी बाबा ने किया था, उनके तपोबल पर श्री बागेश्वर बालाजी प्रकट भए थे, जिन्होंने आज तक लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई है, लाखों लोगों की खाली झोली को भरा है। मेरे देवघर झारखंड के पागलों, हम तुम्हारे ही लिए आए हैं ताकि तुम्हें अब दर दर ना भटकना पड़े, तुम्हें जगह जगह धक्के ना खाने पड़े, तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े और तुम्हें जगह जगह रोना ना पड़े। तुम एक काम करो, घर पर लाल रंग के कपड़ा में नारियल बांध लेना, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। हमें सन्यासी बाबा ने वचन देकर कहा था, भले ही पर्चा ना बने, भले ही अर्जी ना लग पाए, जो भी भक्त सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, या आपको पांच महीने में भी एक बार, शनिवार या मंगलवार का जब का समय मिले, आप बागेश्वर धाम की 21 अथवा 31 पेशी प्रारंभ कर देंगे, तो वहां की सिद्धियों का ऐसा प्रताप है, जो अर्जी लगाओगे वो पूरी होकर के रहेगी। ऐसा प्रताप है, रोग बाधा अलाय बलाय भूत बाधा सब बागेश्वर बालाजी के चरणों में बंध जाएगी। तो आज जो जो भी दरबार में आए हो, आप लोग नियम पालन की पद्धति शुरू कर देना, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे रहे, और जो अर्जी लेकर आए हो, विपदा बाधा संकट कलेश उपद्रव या मनोकामना, आप मन ही मन तीन बार बोल दो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद में हम विधि कर देते हैं। ओम ओम ओम। अब जिनको भी प्रेत बाधा है वो ओम बोलेंगे, ओम। हे बागेश्वर बालाजी की सेना दरबार में आओ, हे बागेश्वर बालाजी की सेना दरबार में आओ। जितने भी इस पंडाल के अंतर्गत प्रेत बाधा से तंत्र विद्या से ग्रसित हैं, उन सबको चमीटा की मार लगाओ। राम 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 राम, बोलो ओम बम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम फट 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 स्वाहा। और भी जितने प्रेत बाधा के रोगी हैं, हे सन्यासी बाबा, उन्हें चमीटा की माल लगाओ। कोई डरेगा नहीं, ज्यों का त्यों खड़े रहो, कोई भी यहां वहां नहीं होगा, ज्यों का त्यों खड़े रहो, फट आगे आने देना, जरा यहां जगह कर दो, प्रेत रोगियों को आगे आ जाने दो, आप लोग यहां जगह कर दो, थोड़ी सी जगह कर दो प्रेत बाधा के रोगियों के यहां। हे सन्यासी बाबा की सेना, और भी जितने प्रेत बाधा के रोगी हैं, सबको चमीटा की माल लगाई जाए, फट फट आगे आ जाने दो भैया उन्हें, आप लोग मत पकड़ना, रास्ता दे दो, आप लोग परेशान भी मत होना, मुट्ठी बांधे रहो सभी लोग। हे बागेश्वर बालाजी, और भी जितने प्रेत रोगी हैं, इन सबको और चमीटा की माल लगाई जाए। राम, उनको जरा पकड़ के यहां कर दीजिए,
आगे कर दीजिए, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत रहेगी। आप लोग डरना नहीं, हम बैठे हैं। सेनापति और पीछे जितने प्रेत रोगी रह गए उन्हें भी चमीटा की मार लगाओ। जितना परेशान इन प्रेतों ने किया, मार मार के नहीं किया जाए। हम फट ओम श्री राम 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 राम। जरा आप लोग यहां हो जाना, इस तरफ हो जाना, थोड़े से इस तरफ हो जाना। यहां भेज दो। जय श्री राम। हे बालाजी की सेना, कुछ बीच में प्रेत रोगी रह गए उन्हें भी चमीटा की मार लगाई जाए। सब लोग अपने मन में बोलो, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। और तो चमीटा की मार लगाई जाए। अब सब लोग जो दाहिने हाथ की मुट्ठी है उसका सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार, इसे भी पीछे की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा के शरीर में जहां पीड़ा हो स्पर्श करा लो। या उन प्रेत रोगियों को आने देना मत, छुओ ने। और तो चमीटा की मार लगाओ सेनापति। सब लोग दोनों हाथ जोड़ लो, जो जहां खड़े हुए हैं वहीं पर कहो, हे बालाजी हमारी अर्जी सुनो, हे बागेश्वर हनुमान जी हम वचन देते हैं आजीवन पर्यंत तुम्हारे चरणों से, तुम्हारे धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। सब लोग मौन हो जाओ। आप लोग ये जितने भी प्रेत रोगी हैं इन्हें और चमीटा की मार लगाई जाए। औरतें चमीटा फटकारे जाएं, इनके सिर में चमीटा मारे जाएं। राम 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 राम। बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पते हर हर, हर हर। नितेंद्र सभी प्रेत रोगियों को भभूति पहुंचाओ, कुछ वहां रह गए कुछ यहां है, सबको भभूति पहुंचाओ। अच्छा बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पक्का है? चलो हम बहुत जल्दी फिर से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने आएंगे। आप लोग खुश रहना, हंसा करो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का घर है, आया जाया करो। हे बागेश्वर बालाजी की सेना, इन सभी प्रेतों को जंजीर में बांध लिया जाए। जितने भी प्रेत पीछे रह गए हैं उनको भी जंजीर में बांध लिया जाए। जय श्री राम। ऐसे होना,
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रोज गंगा जल का पान करवाया करो और शनिवार को लेता ही हो प्रेतराज सरकार के दरबार में धाम पे बागेश्वर। हाँ बागेश्वर, और हमें कवच दे दे भी, जय जय हो जय। ठीक क्या बहुत दिन से हैरान हो, पूरे घर में उपद्रव मचाए, बहुत दिन से हैरान है। हमने देख लिया 12 साल हो गए बहुत उपद्रव किए हुए हैं, हमने देख लिया आज से ही आराम लगेगा, आशीर्वाद। जा बालाजी जय जय करेंगे। सीताराम, एक बार पुनः हम भजन सुनाने के पहले कहां गए दुबे जी, आप जरा माइक लो, दुबे जी को इसी माइक दीजिए, निशिकांत जी को आप 2 मिनट और बोलो महादेव के लिए और बागेश्वर बालाजी के लिए। इस बच्चे को धाम लेता ना चल नहीं पाता है। देवघरवासियों, हम सबों का सौभाग्य है कि बागेश्वर धाम से बागेश्वर सरकार खुद आए हैं, और जो मैंने आप लोगों की श्रद्धा देखी है और जो इनकी शक्ति देखी है वो अद्भुत है। मुझे लगता है कि सनातन धर्म को यदि किसी ने जिंदा रखा है या आगे बढ़ाने में बड़ा काम कर रहे हैं तो बागेश्वर सरकार है। बागेश्वर सरकार की जो इच्छा है कि वो 7 दिन यहां कथा करेंगे, यहां तो सब बाबा बैद्यनाथ करते हैं और बाबा बैद्यनाथ के एक रुद्र के ये खुद ही उपासक हैं, उनकी सिद्धि इनके ऊपर है, तो भगवान हनुमान ने जो बातें कही है वो जरूर पूर्ण होगी, जरूर दोबारा आएंगे। 7 दिन की कथा होगी, 7 दिन में पर्ची भी निकलेगी, सबों का कल्याण भी होगा। आप आए, इससे ज्यादा बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता है। आप बार बार आए, बार बार मुझे सेवा का मौका दें, सौभाग्य दें, यही मेरे जीवन की जो है सबसे बड़ी खुशी होगी। पुनः आपके चरणों में शीश नवाते हुए आपका नमस्कार, बाबा बागेश्वर का नमस्कार, बाबा बैद्यनाथ को नमस्कार। जय हो भैया। ए तो भूतन है ना छुआ, तुम दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ, उन्हें मत पकड़ो, उन्हें तो पिटाई लग रही, उन्हें मत छुओ। बोलो हार हार महादेव, बोलो बागेश्वर धाम की, बाबा बैद्यनाथ धाम की, चमीटा वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की। सब लोग अच्छे से रहना, ठीक है, अपना ध्यान रखियो, हम जल्दी आएंगे तुम्हारे प्राण खाने के लिए। और खूब प्रसन्नता पूर्वक रहना, माथे पर टीका कौन कौन लगाएगा, बागेश्वर धाम कौन कौन आएगा, नियम पेशी शुरू कौन कौन करेगा, पक्का। जितने युवान बच्चे हैं सुनो, माता पिता के नाम से तुम्हें जाना जाए तो तुम किसी काम के नहीं हो, ऐसी उपलब्धि पाना कि तुम्हारे नाम से माता पिता को जाना जावे, ठीक है। और यहां पर सनातन का झंडा कौन कौन फहराएगा, पक्का। तो दोनों हाथ उठा करके गाओ, वीर हनुमाना। अब हम जा भी रहे हैं लेकिन ये गीत गाते गाते हम जाएंगे बहुत जल्दी लौट कर झारखंड में देवघर में महादेव की नगरी में आएंगे। यहाँ के लोग बहुत कंजूस है, उठा दो ना हाथ। ओ वीर हनुमाना अति बलवाना, हाथ उठाओ, एक साथ ताली बजाओ।
पीछे जो पीछे खड़े हुए हैं जाओ, सबकी जय जय हो जाए, लेकिन गाओ वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। भैया तुम एक तरफ हो जाओ, वहां हमारे पागल खड़े, ये सो सामने से आ जाओ, बैठ जाओ पागलो, दोनों हाथ उठा करके हनुमान जी महाराज की। पार्टी का क्या करोगे, और जब भारत ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए दोनों हाथ उठाकर कहो हम सब हिंदू वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, सियोरे प्रभु मन बसियो, सियोरे प्रभु मन बसियो। और हनुमान जी से प्रार्थना, जो कोई आवे अर्जी लगावे, जो कोई बोलो अर्जी लगावे, तुम भी गाओ, जो कोई आवे अर्जी लगावे सबकी सुनिया रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना, राम रसियो रे। कलयुग में तरा हाथ भागे, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा, कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा, क्या कहना तेरी भक्ति का, क्या कहना तेरी शक्ति का, क्या कहना तेरी भक्ति का, क्या कहना कलयुग में सिद्धि हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा, कलयुग में सिद्धि हो देव तुम्हें हनुमान तुम्हारा। इसलिए हनुमान जी के पागल बने रहना, कहो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा। लगा के आग शहरत में हमने ये सब पाले हैं, कोई तुमसे पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं।
सरदार भाई वाला बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। हेलो सियाराम सभी से निवेदन।